मैं डॉक्टर मिताली शर्मा हिम्स डेरा बस्सी से। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका नाम है प्रियंका, जिनकी उम्र है 25 वर्ष और ये हिम्स में एडमिट हुई हैं। इनको बीपी का दिक्कत है, हाइपरटेंशन, सीकेडी यानी इनको किडनी फेलियर है और सीकेडी के कारण इनका जो एचबी है वो भी काफ़ी कम रहता है और साथ में इनको पीसीओडी का एक दिक्कत है। तो अभी आप कितने समय से हिम्स में एडमिट हैं? मुझे ना 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से आप एडमिट हैं, तो अभी आपको 8 दिनों से कितना फ़र्क महसूस हो रहा है यहाँ एडमिट होने के बाद? पहले मेरे ना ट्वीस में 2 बार डायलिसिस होते थे और मेरे पानी भर जाता था, स्वेलिंग आती थी क्योंकि इनका जो MRI इन्होंने कराया था उसमें इनको नॉन स्पेसिफिक पंक्चुएट करके कुछ लीजन्स थे ब्रेन में, जिसके कारण इनका जो बीपी है वो लगभग 200 से ऊपर रहता था, राइट? तो यहाँ आने के बाद आप बताइए आपको किस तरीके का इलाज दिया जा रहा है, कोई डाइट में, कोई पंचकर्मा थेरेपीज एडवाइस की जा रही है, किस तरीके का आपका ट्रीटमेंट हो रहा है? पंचकर्मा में 2 थेरेपी दी जाती है मुझे, अभिगम और शिरोधारा। शिरोधारा जी। और बाहर मुझे ना बाथटब और लेगुलेशंस दिए जाते हैं, जिससे ना मेरा वो होता है डायलिसिस होता है और अब मेरा डायलिसिस बंद हो गया है। जो ये बाथटब की बात कर रहे हैं उसको हम पोस्चुरल थेरेपी कहते हैं और जो लेग एलिवेशन है वो भी हम जो सीकेडी के पेशेंट रहते हैं यानी किडनी फेलियर के पेशेंट रहते हैं उसमें इसके बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो आप ही के जैसे जो और पेशेंट्स हैं जिनको कम उम्र में सीकेडी किडनी फेलियर जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हिम्स में आओ और अपना इलाज कराओ, सही हो जाओ। तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट किए बिना हम अपना किडनी फेलियर सही कर सकते हैं? हाँ, डाइट करेंगे तो कर लेंगे। परेज यहाँ आने से पहले आपका डायलिसिस कितनी बार होता था हफ्ते में? 2 बार। और यहाँ आने के बाद जैसे आप बता रहे हो आप 8 दिन से यहाँ दाखिल हो, तो उन 8 दिनों में आपका डायलिसिस कितनी बार हुआ है? मेरा रोज होता है लेकिन वैसे बाथटब वाला होता है, वो वाला नहीं होता है। जो दूसरा जो आप एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जो हीमोडायलिसिस कराते थे वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। इनका जो भी नेचुरल तरीके से जिसको हम पोस्चुरल थेरेपी कहते हैं, जिसको हम एक हर्बल डायलिसिस के रूप में इंट्रोड्यूस किया है हमने अभी हिम्स में, वो इनका हो रहा है, ठीक है? तो इसके अलावा आपके कोई पैरों में सूजन आनी शुरू तो नहीं हुई अभी? नहीं, अभी नहीं। 8 दिन पहले जब आप ये थेरेपी नहीं करा रहे थे तब आपके पैरों में सूजन आती थी? डायलिसिस करा लेते थे तो नहीं आती थी। तो नहीं आती थी। हाँ। पर अभी जब आप डायलिसिस नहीं करा रहे तो अभी आपके पैरों में कोई सूजन तो नहीं है? नहीं, मेरा वजन भी घट गया। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपनी नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।